सो गाइस, आइसक्रीम चैप्टर 8 का अपडेट तो आता ही रहेगा, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इस बीच में, आपको पता है जिस तरीके से ग्रैनी है, इवलन है, इसी तरीके से यहाँ पे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी स्कैरी डॉल्स थी जिन्होंने एक टाइम पे बहुत लोगों को परेशान किया था, बट अभी वो डॉल या तो बंद है या उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। तो कौन है ये डॉल्स, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो आज की टॉप 10 लिस्ट की वीडियो में है टॉप 10 स्कैरीएस्ट डॉल। नंबर 10 पे यहाँ पे आता है तात्या विचू। भाई तात्या विचू को तो आपने देखा ही होगा, भाई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ये एक डॉल है। एंड ये जो डॉल है ना, ये हमको हिंदी मूवीज़ में बहुत बार देखने को मिली है। एंड सीरियसली बचपन में जब ये मूवी देखी थी तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लगती थी ये डॉल, एंड आपको शायद अभी भी ये स्कैरी लगती होगी। आप में से किस किस लोगों ने तात्या विचू की ये मूवी देखी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 9 पे आती है ओकीकू डॉल। ये एक जैपनीज डॉल है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ओकीकू डॉल की कहानी ऐसी है कि इस डॉल में एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है। इस डॉल के जो बाल हैं ना, वो एकदम रियल हैं एंड ये बढ़ते रहते हैं। मतलब जैसे ह्यूमंस के बाल हैं जो बढ़ते रहते हैं ना, उसी तरीके से इस डॉल के बाल भी बढ़ते रहते हैं। कितनी स्कैरी ये चीज़ है, बट ऐसा होता है एक्चुअल में। और इसके पीछे की कहानी ये कही जाती है कि इस डॉल के अंदर एक छोटे बच्चे की आत्मा है जिसकी वजह से ये एकदम मतलब ऐसा रियल ह्यूमन जैसी है। नंबर 8 पे जो डॉल आती है उसका नाम है पूपा द हॉन्टेड डॉल। तो पूपा द हॉन्टेड डॉल की स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार की है। सो इस डॉल की कहानी ऐसी है कि ये जो डॉल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है एंड इसको चोट लगी हुई है। जैसे मतलब रियल इंसानों को चोट लगती है, वैसे ही इस डॉल को चोट लगती है। एंड ये चोट कैसे लगी, क्यों लगी, कब लगी, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो इसीलिए ये डॉल आती है नंबर 8 पे। नंबर 7 पे जो डॉल है भाई, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। नंबर 7 पे जो डॉल है उसका नाम है लट्टा द डॉल। ये लिट्टी चोखा वाला लट्टा नहीं है भाई, हाँ लट्टा इसका नाम है, लट्टा द डॉल। कहा जाता है कि इस पर श्राप लगा है, मतलब ये जो डॉल है ना, इस पर श्राप लगा हुआ है। कहा जाता है इस डॉल को अगर कोई एक बार देख लेगा ना, तो उसको डरावने सपने आएंगे और उसके संग अजीब घटनाएं होने लगेंगी। तो आप लोग भी ये वीडियो भाई अपने ही रिस्क पर देखो, ओके। तो नंबर 6 पे जो यहाँ पे आती है, उस डॉल का नाम है हेरल्ड। अब ये हेरल्ड क्या है भाई, हेरल्ड डॉल की कहानी कुछ अलग है। यहाँ पे ये जो गुड़िया है ना, ये गुड़िया जिस घर में रखी थी, उस घर के लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने घर में महसूस करी जब से ये डॉल को उन्होंने लिया। एंड कहीं ना कहीं इस डॉल पे ही उनको शक था, क्योंकि जब से ये डॉल आई थी ना, कुछ अजीब सी चीज़ें होने लग गई थी घर पे जो कि नॉर्मल नहीं थी। जैसे कि अजीब व गरीब आवाज़ें आना, इस चक्कर में इस डॉल को भी हॉन्टेड डॉल कहा जाता है। नंबर 5 बताने से पहले भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 पे जो डॉल आती है उसका नाम है जूलियट। अब ये जूलियट, ये भी बहुत डेंजरस डॉल है भाई। तो जूलियट डॉल की कहानी थोड़ी सैड भी है। मतलब एक छोटा सा बच्चा था जो कि बहुत मतलब छोटी उम्र में मर गया था। एंड यूँ कहा जाता है कि उसी बच्चे की आत्मा इस डॉल के अंदर है। एंड सेम चीज़ है भाई, इसको भी अगर कोई देखता है तो उसको बहुत डरावने सपने आते हैं, ऐसी चीज़ें उसके संग होती हैं। अगली डॉल जो नंबर 4 पे आती है उसका नाम है मैडी द डॉल। मैडी द डॉल जो है ना, उसके अंदर भी एक बच्चे की आत्मा है, एक छोटे से बच्चे की आत्मा। और इस डॉल के बारे में सबसे भयानक बात क्या है, देखो इस डॉल की सबसे भयानक बात है कि ये डॉल खुद से चलती है। जी हाँ, मैडी द डॉल ये खुद एक जगह से दूसरी जगह चलती हुई देखी गई है। ये चीज़ सोचो कितनी क्रीपी है, जिस घर में ये होगी भाई सोच भी नहीं सकता मैं। ओके, नंबर 3 पे जो डॉल आती है उसका नाम है पैगी। मैडी पैगी, ओके। पैगी डॉल जो है वो भी कुछ इसी टाइप की कहानी है इसके पीछे भी। ये एक डरावनी गुड़िया जिसे कहते हैं कि ये जो डॉल है ना भाई, ये जिस जो भी इस डॉल के आसपास आ जाता है वो एकदम मतलब उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है, या ठीक है उसको बीमार हो जाता है वो, या तो उसको एकदम मतलब सैड फील करने लगता है वो। कहीं ना कहीं इस डॉल की वजह से वो इंसान कह सकते हैं दुखी हो जाता है। तो इसीलिए इस डॉल को भी स्कैरी डॉल कहा जाता है। नंबर 2 पे जो डॉल है भाई, वो डॉल और भी ज़्यादा डेंजरस है। एंड ये इतनी डेंजरस है कि आज भी एक म्यूज़ियम में रखी हुई है एंड आप लोग इसे जाके एक्चुअल में देख भी सकते हो। ये इतनी शरापित है कि इसके पीछे की कहानी पर तो पूरी एक अलग से स्टोरी वीडियो बन सकती है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा।
तो इसके पीछे की कहानी है, एक बूढ़ी औरत थी जिसने इस डॉल को ऐसा श्रापित डॉल बनाया एंड वो मतलब एक फैमिली को पूरा परेशान करना चाहती थी, जिसकी वजह से इस डॉल का उसने यूज़ किया एंड इस डॉल के अंदर इतनी भयानक सी ताकतें आ गई जिसकी वजह से ये डॉल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बन गई। एंड आज ये डॉल पूरे वर्ल्ड में सेकंड सबसे ज़्यादा हॉन्टेड पोजेस्ड स्केरियस्ट डॉल है। नंबर वन पर जो डॉल आती है भाई, इसके बारे में कौन नहीं जानता, मतलब जिसको भी इंटरेस्ट होगा हॉरर गेम्स में या फिर हॉरर रिलेटेड कैटेगरी में, वो इस डॉल का नाम ना सुना हो ऐसा हो नहीं सकता। नंबर वन पर जो डॉल है वो है आपकी हमारी सबकी नई है बिल्कुल प्यारी भाई, एनाबेल। एनाबेल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, इसके ऊपर कई सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जिसमें से एक मूवी है द कंजूरिंग। द कंजूरिंग मूवी में हमको पूरी तरीके से एनाबेल की स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरीके से एनाबेल डॉल एक पूरी फैमिली को परेशान करती है। इसके अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा होती है। एनाबेल डॉल की मूवी बन रहे भाई सारी देखी हैं जितनी भी मूवीज़ आई हैं एंड सारी ही मूवी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। एनाबेल डॉल के बारे में कहा जाता है कि भाई ये जो डॉल है ना ये खुद से चलती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये डॉल पेपर पे ना हेल्प लिख के ऐसा छोड़ देती थी, ठीक है, मतलब जैसे ही इसको घर पे अकेला छोड़ के घर के जो मालिक लोग हैं वो चले जाते थे ना, तो वो जब वापस आते थे तब उनको घर पे जगह जगह पेपर्स पड़े हुए मिलते थे जिसमें लिखा रहता था हेल्प मी। एंड एनाबेल के हाथ में भाई कलर रहता था तो ऐसा लगता था कि ये चीज़ एनाबेल ने ही लिखी है। इसी के साथ एनाबेल की आंखों से भाई जो डॉल है उसकी आंखों से खून निकलता भी कई बार दिखा था। एक बार तो कहा जाता है ऐसा भी हुआ था कि जो फैमिली थी उसके घर पे एक दोस्त आया हुआ था एंड उस दोस्त पे एनाबेल ने हमला तक कर दिया था। जी हाँ, हमला करके घायल कर दिया था उसे। उसके बाद से एनाबेल आज तक एक म्यूजियम में रखी हुई है। एड और लॉरेन नाम के दो बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आज भी इस डॉल को अपने म्यूजियम में बहुत ही मतलब अभिमंत्रित करके एक केज में रख रखा है। एंड आप लोग इंटरनेट पे भी देख सकते हो, इसे रियल लाइफ में भी जाके इसे देख सकते हो। एक दो साल पहले ही इसको एक केस से दूसरे केस में शिफ्ट किया गया था जो कि पूरे वर्ल्ड में एक न्यूज़ भी बना था और आप लोग वो वीडियो देख भी सकते हो, यूट्यूब पे आज भी अवेलेबल है, अपने रिस्क पे देखना। तो गाइज ये थे टॉप 10 स्केरियस्ट डॉल। अब आप लोग बताना अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आपको क्या मेरी ये जो वीडियोज़ आ रही हैं ये पसंद है, क्योंकि मैंने ऐसी ये आई थिंक तीसरी वीडियो बनाई है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में।